अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका हाउस। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, जो कि बहुत ही अलग तरीके की बनाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। दो मीडियम साइज़ के पोटैटोस लेना है हमें, थोड़ी सी कॉलीफ्लावर्स लेना है, वन मीडियम साइज़ की कैरेट लेना है, हैंडफुल ग्रीन पीस यानी हरे मटर लेना है। इन सबको हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल के हमें बॉईल करके मैश करके रख लेना है। टू मीडियम साइज़ के अनियन का पेस्ट बना के आप फाइन चॉप कर ले। टू मीडियम साइज़ के टोमेटो है जिसे आप चॉप पेस्ट बना के फाइन चॉप करके रख ले। मसालों में हम लेंगे वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर टू टेबल स्पून, वन टीस्पून जीरा पाउडर, टू टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, टू टेबल स्पून पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी लेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट, टू टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली भी ले लेंगे हम, टू ग्रीन चिलीज को चॉप करके ले लेना है, वन लेमन लेना है, कुछ कोरिएंडर लेना है हमें गार्निशिंग के लिए, वन एंड हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे, टू टू थ्री टेबल स्पून बटर, फोर टू फाइव टेबल स्पून ऑयल। एक कढ़ाई लेंगे, सबसे पहले कढ़ाई में हम ऑयल और बटर को हम थोड़ा सा बटर और फोर टू फाइव टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी ज़ीरा डालेंगे। मैं मिस कर दी इस आप लोगों को बताना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल देंगे हम। जैसे ज़ीरा अच्छे से पक जाए, जो हमने अनियन का पेस्ट बना के रखा था इसे हम ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ी देर तक के इसे हमें इसी तरह से पका लेना है। जब हमारा अनियन अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हमें हमारी जो ग्रीन चिलीज कट करके रखी थी इसे ऐड करेंगे। एक से दो मिनट तक इसे पकाएंगे। इसके बाद में हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे भी थोड़ी देर तक पका लेंगे हम। इस तरह से अब हम इसमें हमारे टोमेटो प्यूरी है या आपने जो फाइन चॉप करके रखा हुआ टोमेटो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से डाल के मिक्स करके इसे थोड़ी देर तक भूनना है हमें। ये देखिए मैंने सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे और फिर इसे अच्छे तरीके से भून लिया था, पाउडर मसाले जो थे। अब इसमें हमारी जो बॉयल वेजेस थी वो हम ऐड कर देंगे। वेजेस बॉयल करते वक्त आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं या ना भी डालें तो भी इट्स ओके फॉर यू। अब इसमें हम पाव भाजी मसाला डालेंगे और हाफ लेमन, मैंने वन लेमन बताया था इसमें से हाफ लेमन मैंने यूज़ किया है। तो ये हमारा सारे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को आप किसी बर्तन पे रख के जब थोड़ा सा वो कर ले तो ये क्रिस्पी कुरकुरी हो जाती है, फिर इसे क्रश करके हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाफ ग्लास हम वाटर डाल देंगे, ऐसी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, इतनी थिकनेस। इसमें थोड़ी सी बटर ऐड करेंगे और गार्निश करेंगे हरी धनिया से, जो कि मैंने फाइन चॉप करके रखी हुई थी। तो हमारा पाव भाजी रेडी है। अब चलते हैं पाव को रेडी करने के लिए। तो आप तवा या फ्राई पैन या कढ़ाई जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा बटर डालिए। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, जो हमने पाव भाजी बनाई है उस भाजी को थोड़ा सा हम लेंगे, इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें पाव का स्लाइस कर देंगे, बीच में से कट करके इस तरीके से जो भाजी है वो इसके ऊपर लगा देंगे सब तरफ से अच्छी तरह से, और इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि जो हमारी भाजी का फ्लेवर है वो पूरे पाव पर अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए रेडी है हमारी पाव भाजी। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब